से जो है हायर किया काफी अच्छी सैलरी पे। नहीं, हमने लड़का हायर किया तो हमने कहा लड़के को ऑटो से ले जाने में मजा नहीं आ रहा, आज इसके लिए कैब कर दो। अच्छा, ये वाली हुई नहीं थी क्या? ओके, बैकग्राउंड में कोई आ गया? आज जा रहे हैं फोटोशूट में, बहुत दिन बाद फोटोशूट ब्लॉग आ रहा है और साथ में हमने नया लड़का हायर किया। बनने में टैलेंट था, छुपा टैलेंट हमारे इंस्टाग्राम पे मिला था, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये गली में ही रहता था तो हमें पता नहीं था कि मतलब इतना तगड़ा टैलेंट हमारे गली में है, तो हमने इसे जो है हायर किया काफी अच्छी सैलरी पे। आज इसे लेके जा रहे हैं फोटोशूट पे, हमने एक साल बाद देखा होगा मेरे ब्लॉग में, पहले था, पहले अब रिज्वाइन कर लिया इसने, तो आज कराएंगे इसके साथ फोटोशूट। अभी ये जॉब पे और साथ में जो है ये भी देता बहुत अच्छा, तो इसकी दो जॉब है वहाँ। अभी करेंगे वहाँ जाके, वर्ल्ड स्ट्रीट जाएंगे शूट करने के लिए, व्हाइट हाउस, ठीक है। तो वहाँ चलिए, तो गाइस आप देख सकते हैं आजकल हम पे ज्यादा पैसा आ गया, गाड़ी जा रहे हैं, बहुत मोटा पैसा आ गया जो कि आज तक हम गए नहीं। नहीं, हमने लड़का हायर किया तो हमने कहा लड़के को ऑटो से ले जाने में मजा नहीं आ रहा, आज इसके लिए कैब कर दो, क्योंकि बहन पहली बार भी कितनी टोंट मार दी थी इसने जब मैं गया था कैब से, तो आज इसे ही लेके आए हो। भाई ने नाम ले दिया, हाँ, हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ किया नहीं जा सकता, तो अभी इसे लड़के कुछ कहना चाहता फरीदाबाद की सबसे शानदार लोकेशन पर, जो कि कैनॉट प्लेस, दूसरा कैनॉट प्लेस माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा फेमस लोकेशन है फरीदाबाद की और बहुत बंदे मतलब यहाँ पे फोटोशूट, रील्स बनाने, भाई सब हर चीज के लिए आते हैं। तो खैर, हम उन टिकटॉकरों में से नहीं, हम क्रिंज कंटेंट ही बनाने आए, आपको हम कुछ सिखाने के लिए आए, यहाँ पर फोटोशूट ब्लॉग बनाने आए, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग वीडियोस है मेरी इस चैनल पर, ठीक है। तो आज आ चुके, अब देखो मेरा ड्रेस देख सकते हो आप, हिसाब से ब्लैक कलर का मैंने पहन रखा है, तो ब्लैक के हिसाब से हमें चाहिए थे बैकग्राउंड पूरा व्हाइट थीम, ठीक है। तो ये व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जस्ट अभी हम आए वर्ल्ड स्ट्रीट में, व्हाइट हाउस में, एंड यहाँ पे करेंगे शूट एंड देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये इंस्टाग्राम आईडी जाके फॉलो कर लेना, एंड मेरे जो बिहाइंड द कैमरा दो फ्रेंड्स हैं उनकी भी आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, प्रियांशु और कुंदन। तो अब यहाँ से करते हैं स्टार्ट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइस हम शूट स्टार्ट करने जा रहे थे और गार्ड आ गया और उसने कैमरे के लिए साफ मना कर दिया, तो अभी रिकॉर्डिंग फोन से कर रहा और कैमरा हाथ में, लेकिन हाँ फोटो तो हमें कैमरा से क्लिक करना है। तो जस्ट अभी यहाँ पे प्रियांशु पेड़ के पीछे छुपेगा क्योंकि गार्ड उसके पीछे है और हमें फोटो क्लिक करनी है उस वाली चेयर के पास। तो भाई एक बार चेयर दिखा। ओके, तो ये वाली चेयर देख सकते हो। तो हमने सोचा कि यही एंगल हम पकड़ेंगे, यहाँ से लो एंगल से जब ये फोटो लेगा 50 mm पे तो बैकग्राउंड में पूरा पूरा व्हाइट सीन आ जाएगा। बाकी यहाँ क्लिक करने के बाद व्हाइट हाउस पे जाएंगे, लेकिन दूसरे लोकेशन पर जाएंगे। तो अभी चलो फोटो शूट स्टार्ट करते हैं। मेरे किस्मत में बहन लेके पड़े हैं गाइस, दूसरी चेयर पे था, यहाँ भी कपल आ गए, मेरी जिंदगी खराब चल रही। वहाँ पहले गार्ड ने मना कर दिया, वहाँ दूसरी दो तीन लड़कियाँ आ गई विद फैमिली, अब यहाँ कराने जा रहा था तो ये अपनी वाइफ के क्लिक करने लगा। अच्छा, ये वाली हुई नहीं थी क्या? ओके, बैकग्राउंड में कोई आ गया? मेरी गाइस किस्मत में ना पड़े, अब यहाँ से लोकेशन चेंज कर, पीछे वाली पे चलो, मुझे चाहिए बैकग्राउंड खाली, खाली मिल ही नहीं रहा। दिखाइए लेकिन जो तूने एक फोटो ली थी वो वाली। ओके, सो गाइस अभी देखो घूम फिर के हम आ चुके हैं बिजनेस हब में, ठीक है, क्योंकि वहाँ हमें कैमरा चलाने को मिला नहीं। एंड हाँ, अभी देखो मैंने आपको कैमरे के बारे में बताया नहीं, अभी रिसेंटली मैंने ये सोनी ZV-E10 खरीदा है, ठीक है, तो इसका रिव्यू मैं डालूंगा बहुत ही जल्दी। तो फिलहाल अभी फोटोशूट के लिए हम यही कैमरा यूज़ कर रहे हैं, एंड हमारे साथ जो लेंस है वो है 1650 किट लेंस, जिसका मिनिमम अपर्चर 3.5 एंड मैक्सिमम अपर्चर 5.6 तक जाता है, ठीक है। तो इससे फोटोज क्लिक करेंगे एंड बहुत ही जल्दी अभी मैं इसका 50 mm भी लूंगा, तो उसके साथ भी फोटो क्लिक करेंगे। तो भाई प्रियांशु यूज करेगा कैमरा तो ये बताएगा अभी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन अगर इसके हम कंपैरिजन करें कि मार्क 3 होता है ना सोनी का, तो उससे भी काफी बेटर है। और इसमें एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई से भी लेंस लग जाएंगे, ई माउंट की आप कोई से भी लेंस लगा सकते हो इसमें। और मैं कहता हूँ कि अगर आप 3-2.5 लाख रुपए जो भी लगा के सोनी का मार्क 3 ले, तो उससे बढ़िया सबसे बेटर है भाई। और भाई की चॉइस मैं कहूँ तो इसमें बहुत अच्छी है भाई। भाई अगर देखो आप यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट कर रहे हो, अभी बेसिक एक कैमरा चाहिए, आपको सीखना भी है और आपको सारे फीचर्स भी चाहिए वो वाले जो आपको 2.5-3 लाख के कैमरे में मिलते हैं,
तो ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा, इसमें आप सीख भी सकते हो और वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। 100 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड होता है यार, 100 FPS एंड 100 Mbps पे, तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है ये। अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मजा ही आ जाएगा। 2.5 लाख की चीज है वो आपको सिर्फ 70-80 हज़ार रुपए में, और जो 2.5-3 लाख में जो कैमरे में लेंस लगता है वो सारा लेंस इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 50 mm खरीदेंगे और उसका भी ट्यूटोरियल बना के डालेंगे पूरा व्लॉग। फिलहाल अभी इससे शूट करते हैं किट लेंस के साथ और क्या रिजल्ट आता है वो ऑनेस्टली हम रिव्यू आपको शेयर करेंगे इस वीडियो में। बकचोदी भी बहुत ज्यादा होगी व्लॉग में आज, बकचोदी बहुत पुराना बंदा हैर हुआ यार आज, ठीक है गाइस। ब्रांड बंदा पहन के आया, 100 रुपए की पड़ी है, देख सकते हो गुच्ची ब्रांड, कुछ ब्रांड पहना भाई, फोटो शूट करता हूं इसकी। यहां एंच देखो लोहा लगा पड़ा है, यहां गुच्ची लिख रही है, बेल्ट देखो, बेल्ट देखो गाइस, बेल्ट देखो, नेक्स्ट लेवल यार, क्या मतलब पैटर्न दिया हुआ है, फाड़ दो, हट जा, डैमेज, नेक्स्ट लेवल पैटर्न, इसकी क्लिक करो, देखो इसकी क्लिक करना, इसका पोज देखना अलग ही लेवल पे, इस लौंडे के चेहरे पे एटीट्यूड जो देखोगे ना, जॉ लाइन चिंगम खा गया। जूम होता है, बता भाई, देखो ये है सोनी का ZV-E10, वही है ना, हाँ तू लाया ना, एक मिनट, यहाँ से गाइस होता है माउंटेन पे जूम, ये ई माउंट, माउंट पहाड़ों पे हो जाता, पहाड़ों पे जूम हो जाता है, ई माउंटेन पे होता है ना, ये देखो पावर जूम पावर जूम पावर जूम है यार, पावर जूम है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता, दूर से जादू इतना पावर है अच्छा, और कुछ नहीं बस, चल क्लिक कर, ओके सो गाइस दूसरी लोकेशन पर आ चुके हैं, ठीक है, जस्ट थर्ड फ्लोर पर। तो यहाँ से क्या है कि हमारी जो सनलाइट है वहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी लाइट आ रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ एक जो एक ऐसा रेलिंग टाइप का लगा पड़ा है ना, उससे कुछ शेडोज क्रिएट हो रही है आगे की तरफ, जिससे थोड़ा साइड खड़ा हो, जिससे गाइस थोड़ा सा ना डार्क हो रहा है, ठीक है, माइक चालू ना, हाँ जिससे थोड़ा डार्क हो रहा है, तो अभी ध्यान से फोटो क्लिक करेगा, रिजल्ट आप देखना, बहुत नेक्स्ट लेवल फोटो आ रही है। गाइस फोटो शूट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आपकी कौन सी फेवरेट फोटो है वो मुझे कमेंट में जाके बता देना, एंड किस किस फोटो का आपको ट्यूटोरियल चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताना, एंड ये सारी फोटोज इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुकी है तो जाके फॉलो कर लेना,
एंड हाँ, ऐसी बकचोदियाँ और चाहिए व्लॉग में तो यार बताना जरूर से, क्योंकि आज हमने थोड़ा सोचा कि थोड़ा बकचोदी ऐड करते हैं, तो टिल्लू को लेके आए, इसीलिए हमने अपना पुराना बंदा जो है वो हायर किया एंड उसे हायर करने के बाद इसे लेके आए, तो हमने फुल बकचोदी की है इसमें। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट में जाके फटाफट से बता देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।